गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर हमारे यूनिट थर्ड का सेकंड लास्ट लेक्चर यहाँ पे ले रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा लेक्चर नंबर 29, जहाँ पे आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू द कंसर्न। जब हम रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारे रिसर्च रिपोर्ट का जो लास्ट कंटेंट होता है उसमें हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशन देने होते हैं, जिस भी टॉपिक को हमने कंसर्न किया है अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, उसमें हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, दैट इज़ इफ़ेक्टिव रिकमेंडेशन एंड सजेशन। एक इफ़ेक्टिव रिकमेंडेशन और सजेशन के लिए हमें किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। तो अगर हम देखें तो रिकमेंडेशन जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें एक फैक्टर है जो उसको फॉलो करना होता है, और अगर हम उस फैक्टर की बात करें दैट इज़ द स्मार्ट। अगर हम स्मार्ट की बात करें तो स्मार्ट को हमने जर्नलाइज किया है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड। अगर आप देखें तो जो हम रिकमेंडेशन देते हैं किसी भी कंसर्न टॉपिक के ऊपर, तो उसके अंदर हमें स्मार्ट को फॉलो करना होता है। और अगर हम स्मार्ट की बात करें तो स्मार्ट क्या है, एस डिनोट्स फॉर स्पेसिफिक, एम डिनोट्स फॉर मेजरेबल, ए डिनोट फॉर अचीवेबल, आर डिनोट फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टी डिनोट फॉर टाइम बाउंड। तो अगर हम देखें तो हम अपने सबसे पहले फैक्टर की यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज़ द स्पेसिफिक। अगर हमें स्पेसिफिक बेसिस पे रिकमेंडेशन देना हो तो हमें क्या करना होगा, तो आप ये देखते हैं कि जब हम स्पेसिफिक के बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी रिसर्च टॉपिक के अंदर, तो ये जो स्पेसिफिक है यहाँ पे हमें किसी एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना होता है अपने किसी भी रिकमेंडेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन दी जाएगी वो एक मेथड के थ्रू दी जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बैड एग्जांपल के रूप में क्या दे रखा है कि वी शुड इंक्रीज सेल्स, कि अगर हमें अपने बिजनेस की कंपनी की सेल्स को इंक्रीज़ करना है तो वो कैसे की जाएगी। और सेकंड क्या है कि वी शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू इंक्रीज स्टाफ सेटिस्फेक्शन सो एज टू इंक्रीज मॉरल, कि हमें कौन कौन से एक अप्रोप्रिएट मेजर लेने होंगे जिससे कि हम अपने स्टाफ के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें, जिससे कि उनके मॉरल्स भी इंक्रीज हो जाएँ। तो अगर हमें स्पेसिफिक के बेसिस पे गुड एग्जांपल देने हो तो हम अपने बैड एग्जांपल से गुड एग्जांपल में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो हमें अगर अपने किसी भी बिजनेस कंपनी की सेल्स को इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पे अगर हम अपने गुड एग्जांपल के थ्रू कोई भी रिकमेंडेशन देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि वी शुड इंक्रीज सेल्स थ्रू आ मार्केट कंपेरिजन, कि अगर हमें अपने कंपनी की सेल्स या बिजनेस की सेल्स को बढ़ाना है तो वो हम अपने एक मार्केटिंग कंपेरिजन के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मार्केटिंग कंपेरिजन है ये क्या है, एक तरीके का मेथड है जो कि हमने स्पेसिफिक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम स्पेसिफिक के थ्रू कोई रिकमेंडेशन देते हैं किसी भी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होता है अपने किसी भी रिकमेंडेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जो सेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं वो एक मेथड के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज़ द मार्केटिंग कंपेरिजन। अगर आप देखेंगे तो जो बिज़नेस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट करके, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रमोशन करके, डिफरेंट डिफरेंट मास मार्केटिंग करके क्या करती हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करती हैं, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हों, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिले, जिससे कि उस कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद हमने देखा था कि जो सेकंड जो हमारा एग्जांपल था बैड एग्जांपल, वो क्या था कि अगर हमें कोई भी अप्रोप्रिएट मेजर करने हो अपने स्टाफ सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उससे हमारे जो स्टाफ के मॉरल हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो अगर हमें इसको गुड एग्जांपल में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे देंगे कि वी शुड इम्प्रूव स्टाफ मॉरल बाई गेटिंग अप अ सजेशन स्कीम देन रिवार्डिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गुड सजेशन, कि अगर हमें अपने स्टाफ के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना और उससे हमें स्टाफ के मॉरल को इंक्रीज़ करना होगा, तो हमें क्या मेथड अडॉप्ट करने होंगे कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर कुछ सजेशन स्कीम्स रखने होंगी, कुछ रिवार्डिंग सिस्टम रखने होंगे और कुछ गुड सजेशन इम्प्लीमेंट करने होंगे, जिससे कि हमारे जो स्टाफ का जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाए और उससे उसके इनके मॉरल में भी इंक्रीज़ हो। तो ये था हमारा पहला फैक्टर जिसको हमने रिकमेंडेशन के बेसिस पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अगर आप देखेंगे तो सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ द मेजरेबल। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस फैक्टर के अंदर हम मेजरेबल मींस कि हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने चीज़ों को एक क्वांटिटी के रूप में मेजर कर सकते हैं। तो ऑल थ्रू सम थिंग्स इन बिजनेस आर डिफिकल्ट टू मेजर सच एज रेपुटेशन, गुडविल, नॉलेज एंड क्वालिटी, योर रिकमेंडेशन विल बी मोर परसेसिव इफ दे आर मेजरेबल। कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम अपने बिजनेस के अंदर देखते हैं
या जिन भी चीज़ों को आप अपने बिजनेस के अंदर देखा जाता है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको मेज़र करने के लिए। जैसे अगर हम देखें तो बिज़नेस की रेपुटेशन को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिज़नेस की गुडविल को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिज़नेस की नॉलेज और क्वालिटी को इम्प्रूव करना या उसको देखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको मेज़र करना। तो अगर आप देखें तो इस तरीके की कोई रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं तो वो आप एक पर्सुएव तरीके से देंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने उन्हीं दो एग्जांपल्स को यहाँ पे दोबारा से कंसीडर किया है। तो अगर आप देखें तो बैड एग्जांपल हमारे क्या थे कि वी शुड इंक्रीज सेल, कि अगर हमें अपनी कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा। सेकेंड क्या था कि वी शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू इंक्रीज स्टाफ सेटिस्फेक्शन एज टू इंक्रीज मॉरल, कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अप्रोप्रिएट मेजर लेने हो जिससे कि हम अपने स्टाफ के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सकें, जिससे कि उनका मॉरल भी इंक्रीज हो, तो उसके लिए हमें मेजरेबल फैक्टर के थ्रू कैसे रिकमेंडेशन करना होगा। तो अगर हम अपने बैड एग्जांपल से गुड एग्जांपल की तरफ देखें तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे अपने रिकमेंडेशन में तो वो चीज़ें मेजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम अपने फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो वी शुड इंक्रीज सेल्स बाय स्पेंडिंग 10% मोर ऑन एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेंस विद आवर रिसेंट एडवर्टाइजिंग कंपैरिजन, दिस विल जनरेट एन एक्स्ट्रा 15% इन सेल्स। कि अगर आप देखें तो किसी भी कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर अगर हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना होगा तो उसके लिए हमें अपने एडवर्टाइजिंग टूल के अंदर 10% मोर एक्सपेंसेस करने होंगे, 10% स्पेंडिंग करनी होगी अपने एडवर्टाइजिंग के अंदर, तो उससे हमारी कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज होने लगेंगी। तो जो भी हम अपने बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो भी हमारे रिसेंट एडवर्टाइजिंग कंपैरिजन है उससे हमारी कंपनी की जो सेल्स है वो 15% एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है। तो अगर हम अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है उसको हमें अपने मार्केटिंग टूल्स के लिए यूज़ करनी होगी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे हमें अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, 10% मोर स्पेंडिंग कर रहे हैं किस पे, एडवर्टाइजिंग में, जिससे कि हमारी कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ने लग जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हम अपने 10% स्पेंडिंग कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग पे तो वो ईज़िली हम मेजर कर पा रहे हैं कि क्या करने से कितना क्वांटिटी हम अपने चीज़ों को मैनेज करेंगे जिससे कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है कि वी शुड इंप्रूव स्टाफ मॉरल बाय इंक्रीजिंग द पे इंक्रीमेंट फॉर ईच एडिशनल ईयर ऑफ सर्विस, दिस शुड डिस्करेज स्टाफ फॉर लिविंग ऑल थ्रू दिस वुड कॉस्ट मोर एंड वी वुड सेव मनी ओवरऑल बाय डूइंग लेस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग फॉर द न्यू स्टाफ। कि जो हमारा एग्जांपल था, जो एक बैड एग्जांपल था कि वी शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू इंक्रीज स्टाफ सेटिस्फेक्शन एज टू इंक्रीज मॉरल, कि अगर हमें अपने बिजनेस के अंदर हमारे कुछ अप्रोप्रिएट मेजर के थ्रू अपने स्टाफ के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है तो उससे उनका मॉरल भी इंक्रीज हो। तो यहाँ पे अगर हम मेजरेबल को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर हमें अपने स्टाफ के मॉरल को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हर एक एडिशनल ईयर ऑफ सर्विस के अंदर हमें उनको इंक्रीमेंट देना होगा। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा इंक्रीमेंट देंगे एडिशनल ईयर के अंदर तो उससे क्या होगा कि उन स्टाफ के बीच में जो मॉरल है, जो ये इश्यूज़ हैं वो क्या होंगे, सॉल्व होंगे और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा और उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इससे क्या होगा कि जो स्टाफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, बिज़नेस को छोड़ जाते थे वो डिस्करेज होंगे और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से लीव नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट हमारे नए स्टाफ के रिक्रूटमेंट या उसके सिलेक्शन के लिए कर रही थी या जो हम अपने नए स्टाफ की ट्रेनिंग देने में जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे थे वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेव कर सकते हैं। तो अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को सेव कर पा रहे हैं जिससे कि हमारे स्टाफ के मॉरल भी इंक्रीज़ हो जाएं और हमारा कोई भी एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीव नहीं करे, तो उसके लिए अगर हम अपने मेजरेबल फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमें किस हर एक एडिशनल ईयर के अंदर उनकी सर्विसेज में उनके सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट करना होगा, उनको इंक्रीमेंट पे करना होगा जिससे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से जल्दी लीव नहीं करे और उनको एक सेटिस्फेक्शन लेवल रिसीव हो। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने लेक्चर नंबर 29 के अंदर हमने एक टॉपिक लिया था जिसमें हम सजेशन और रिकमेंडेशन कर रहे थे किसी भी कंसर्न टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे एक इफेक्टिव रिकमेंडेशन और सजेशन के लिए हमें स्मार्ट को फॉलो करना होता है। और स्मार्ट क्या है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड। तो जब भी हम किसी भी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंसर्न करते हुए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन देते हैं तो उसको हम उसके लिए हमें स्मार्ट को फॉलो करना होता है।
तो यहाँ पे हमने पहला जो देखा था दैट इज़ द स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के अंदर हम कोई मेथड इंप्लीमेंट करते हैं अपने किसी भी रिकमेंडेशन के अंदर, तो उसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखा था। और जब हम मेजरेबल फैक्टर के थ्रू अपने रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करते हैं तो बिज़नेस के अंदर जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है उस बिज़नेस की चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे उस कंपनी की बिज़नेस की रेपुटेशन हो गई, गुडविल हो गई, उसकी नॉलेज और क्वालिटी हो गई, तो ये जो चीज़ें हैं इनको मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर हमें किसी भी रिकमेंडेशन को यहाँ पे परस्यू करना होगा तो वो हम मेजर कर सकें, तो इसको भी हमने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे कंसीडर किया। तो ये जो टॉपिक है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।